गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू टू बी गुड एंड फाइन एंड आल्सो डूइंग गुड विथ योर स्टडीज़ सो हमने कल चैप्टर नंबर एलेवन का पार्ट टू तो पढ़ा था जिसमें हमने ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट वगैरह के बारे में पढ़ा था नहीं एक्चुअली सॉरी कल हमने पार्ट वन पढ़ा था सॉरी कल हमने पार्ट वन स्टार्ट किया था चैप्टर इलेवन स्टार्ट किया था जिसमें हमने ओपेक ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत लाइट के बारे में थोड़ा बहुत शेडोज़ के बारे में मतलब बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और शेडोज़ के बारे में भी हमने एलेवन पॉइंट टू जो टॉपिक था वो कवर किया था अब उसके आगे को उसके आगे कंटिन्यू करते करते हम पढ़ते हैं एक्टिविटी थ्री से प्लीज़ लिसन केयरफुली

का लंबा कार्डबोर्ड पीस लेके जाओ होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड टॉर्च को ग्राउंड से क्लोज मतलब टॉर्च को जला के ग्राउंड से क्लोज रखो एंड शाइन इट अपवर्ड्स और उसको ऊपर की तरफ शाइन करवाओ सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस ऐसा कि उसके जो टॉर्च की जो लाइट है वो आपके फ्रेंड के फेस पर पड़े यू नो यू नाओ है सोर्स ऑफ लाइट दैट इज़ फॉलोइंग ऑन एन ऑपिक ऑब्जेक्ट अब आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि एक ऑपिक ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है इफ़ देर आर नो ट्रीज बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिओउंड योर फ्रेंड अगर ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपके फ्रेंड के पीछे मतलब कुछ भी नहीं है ना ट्रीज है ना बिल्डिंग है कुछ भी नहीं है वीडियो सीधा शेडो ऑफ योर फ्रेंड तो क्या आपको शेडो दिखेगी नहीं शेडो नहीं दिखेगी क्या क्यों नहीं दिखे कि ये यह भी पढ़ते दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शेडो इसका मतलब ये नहीं कि शेडो नहीं है आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू इट हिज बॉडी टू द अदर साइड इसका मतलब ये नहीं कि शेडो नहीं क्योंकि लाइट तो जा रही है और लाइट जा रही है बट वो ट्रैवल नहीं कर पा रही क्यों नहीं कर पा रही क्योंकि एक ऑपेक ऑब्जेक्ट उसको रोक ले रहा है अगर वो रोक ले रहा है तो ऑफकोर्स शेडो तो बन रही होगी बट यहाँ पे शाडो हमें दिख नहीं रही है नाउ आस्क अन फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड अब देखो अब जैसे फिगर में ही दिया हुआ है ना फिगर एलेवन पॉइंट थ्री में कि उस फ्रेंड के पीछे उसने कार्डबोर्ड शीट को पकड़ा मतलब दूसरे फ्रेंड ने कार्डबोर्ड शीट को पकड़ा और यहाँ पे जो गर्ल खड़ी है उसने टॉर्च लाइट मारी उस मतलब टॉर्च लाइट जलाई उस फ्रेंड के फेस पे तो देखो कैसे उस कार्डबोर्ड के पीस पे शेडो बन रही है उसने मतलब उसके पीछे जो कार्डबोर्ड पकड़ा तो उसके पीछे उसकी शेडो दिखाई दे रही है अगर ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमें दिखाई दे रही थी क्या नहीं बट हाँ ऑफकोर्स शेडो बन रही थी क्यों बन रही थी क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट पर लाइट ट्रैवल नहीं कर पा रही थी और यहाँ पे जब पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ गया जैसे कि ये कार्डबोर्ड पीस तो अब शेडो हमें दिखाई देने लगी इज द शेडो नीन ऑन द कार्डबोर्ड फिगर इलेवन पॉइंट थ्री हाँ दिख रही है दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन तो उसका मतलब ये है कि जो शेडो है वो सिर्फ किस पे दिखाई देती है मतलब कोई एक उसको सरफेस चाहिए कोई एक स्क्रीन चाहिए द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम अ बिल्डिंग और अदर सच सरफेसिस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द शेडोज़ यू ऑब्जर्व इन इन एवरीडे लाइफ ये जैसे कुछ जैसे कि ग्राउंड हो गया रूम की दीवारें हो गई बिल्डिंग या और कोई ऑब्जेक्ट जैसे होते हैं ये एक कोई सरफेस की तरह एक्ट करते हैं कि जहाँ पे शेडो हमें दिखाई देती है हमारी एवरीडे लाइफ लाइट में लाइफ में शेडोज गिव अस सम गिवस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो शेडोज होती हैं वो हमें हमारे मतलब हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये इस ऑब्जेक्ट की शेडो है समटाइम शेडोज कैन ऑल्सो मिसलीड अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बट कभी कभार शेडोज मतलब हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि किसकी शेडो है ये मतलब वो हमें मिसलीड भी कर सकती हैं जैसे कि इन फिगर एलेवन पॉइंट फोर जैसे कि इसमें अब देखो कैसे मतलब वो हाथ की शेडो है बट वो हमें देखो अगर हम सिर्फ ओनली एंड ओनली शेडो को देखें तो हमें लगेगा कोई एनिमल कड़ा है कोई एनिमल की शेडो है जैसे कि फोर्थ वाला जो है वो गोट हाथ से ही वो ऐसे फिंगर्स करे हुए हैं बट उन्हें देखो शेडो कैसे लगेगी वो गोट की है और फिफ्थ वाले में उन्होंने हाथ ही ऐसे फोल्ड कर रखे हैं और हमें लग रहा है कि कोई बर्ड वगैरह की शेडो है तो वो शेडोज हमें कभी कभार मिसलीड भी कर सकती हैं इन फिक्र एवन पॉइंट फोर आर अ फ्यू शेडोज दैट वी कैन क्रिएट विथ विथ आवर हैंड्स हम अपने हाथों से बना सकते हैं एंड मेक बिलीव डेट दे आर शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स और सामने वाला इंसान को ऐसा लगेगा कि वो एनिमल्स की शेडो है हैव फन मजाक में जैसे अपन करते हैं ना कभी कबार सुनाओ एक्टिविटी फोर प्लेस अ चेयर इन द स्कूल स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे चेयर रखो ग्राउंड में जब सनी डे पे वॉट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर शेडो चेयर के शेडो से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ़ द चेयर क्या है शेडो से बिल्कुल एग्जैक्ट शेप मतलब एग्जैक्ट शेप का वो शेप चेयर की जो शेप है उसका शेडो दे रही है एग्जैक्ट पिक्चर दे रही है क्या शेडो इफ द चेयर इज टर्नड अराउंड लिटिल और जब चेयर को हम थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंजेस इससे शेडो पर क्या इफेक्ट पड़ता है शेडो में क्या चेंज आता है परछाई में क्या चेंज आता है टेक नोटबुक एंड लुक एट इट्स पतली नोटबुक लो और उसकी शेडो देखो देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स और फिर उसकी भी शेडो देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स डू द टू शेडोज सेम टू है क्या इन दोनों शेडोज में एक थिन नोटबुक के शेडो और रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेडो क्या कुछ लगभग सेम लग रही है टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फ्लावर्स लो या कोई अदर ऑब्जेक्ट लो अलग अलग कलर के एट द शेडोज और उनकी शेडोज देखो रेड रोज एंड येलो रोज एक रेड रोज लिया और एक येलो रोज लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए डू द शेडोज लुक डिफरेंट इन कलर क्या शेडो शेडो डिफरेंट कलर की आएगी क्या वेन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या जब हम अगर हमारे हाथ में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पकड़े हुए हैं डिफरेंट कलर के एक रेड है और एक येलो है क्या इनकी शेडोज में भी कलर डिफरेंट आएगा क्या टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट शेडो ऑन द ग्राउंड एक लंबा बॉक्स लो लंबा मोटा नहीं मतलब लंबा उसकी शेडो को देखो ग्राउंड में वैन यू मूव द बॉक्स अराउंड और जब को आप बॉक्स घुमाते हो यू मे सी द साइज ऑफ़ द शेडो चेंजेस आप नोटिस करोगे कि जो उस शेडो की जो साइज है वो चेंज हो रही है वन इज़ द शेडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट जब जो शेडो है मतलब तो जो पर्चा ये उस बॉक्स की जब बहुत शॉर्टेस्ट मतलब जब, जब शॉर्टेस्ट है वन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टूवर्ड्स द सन मतलब वो शॉर्टेस्ट कब है जब हम जो बॉक्स लॉन्ग साइड है जो बॉक्स का इस पॉइंटेड वो सन की तरफ पॉइंटेड किया हुआ है कि तब शॉर्ट होगी जब व्हेन द शॉर्ट साइड इज़ पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन जो परछाई है लॉन्ग बॉक्स की वो शॉर्टेस्ट कब दिखेगी जब उस बॉल बॉक्स का लंबा वाला साइड सन की तरफ पॉइंटेड है या फिर शॉर्ट वाला साइड सन की तरफ पॉइंटेड है कब दिखेगी उसकी शेडो शॉर्टेस्ट लेट इज़ यूज़ दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा अब इसी लॉन्ग बॉक्स से हम एक बॉक्स से अब हम एक कैमरा बनाएंगे विच इज़ नोन एज पिन होल कैमरा पिन होल कैमरा समझ लो ना छोटे से होल वाला कैमरा अब इसके बारे में हम अच्छे से कल पढ़ेंगे तिल दैट आई वॉन्ट यू टू अगेन गो थ्रू द चैप्टर ऐसा लग रहा है कि लाइट शेडो रिफ्लेक्शन सिंपल है बट डाउटफुल हो सकता है तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो सुनो चैप्टर रीड करो एक बार दो बार और वीडियो को स्किप प्लीज मत कीजिएगा पूरी सुनिएगा और कल हम स्टार्ट करेंगे इसका पिन होल कैमरा तिल तो डैट प्लीज़ रीड एंड रिवाइज एंड स्टे सेवन स्टे होम थैंक यू